आलू का ग्रेवी वाला सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स कोई सीजन का जरूरत नहीं होता, साल भर हम कभी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये, किसी के साथ भी खाओ बहुत टेस्टी लगता है, खासकर पूरी के साथ। तो मैंने इसके लिए लिया है आलू बॉईल किया हुआ, जिसे मैं हाथों से रफली मैश की हूँ, एक टुकड़े टुकड़े भी बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल, उसके बाद इसमें तड़के के लिए मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी सरसों, जिसके पहले मैंने हाथ से थोड़ा सा चेक कर लिया, उस ऊपर से हाथ रखकर वो गरम लगा तेल, इसका मतलब वो तेल गरम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, उसके बाद मैं डालूंगी जीरा। जीरा जब सरसों के साथ तड़क जाएगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च। इसके लिए सबसे पहले हमें जीरा को और सरसों को फूटने देना है। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च डाली हूँ क्योंकि हम मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं, अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन कूट कर रखी थी, पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद ये थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें 1 अनियन, मीडियम साइज्ड अनियन है जो मैं फाइनली चॉप करके रखी हूँ, बारीक कटा हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा इस मसाले के साथ फ्राई करूँगी, अदरक लहसुन जीरा के साथ फ्राई करूँगी, और ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, बहुत एक्सेस नहीं भूनना है इसको, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक ही इसे भूनना है। उसके बाद मैं अब डाली मसाले में हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, अब इसमें नमक डालूंगी, नमक आप स्वाद के अनुसार आप जितना पसंद करते हैं डाल दीजिए। उसके बाद धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। धनिया पत्ती मैं डालूंगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए, अभी मैं पाउडर डाली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा मसाला के साथ फ्राई हो जाए। तो इसमें अब मैं डाली हूँ टमाटर, मैं 1 टमाटर जो मीडियम साइज़ टमाटर था उसे मैं कट करके रखी थी वो मैं डाली। अब मैं इसे ढककर थोड़ा देर पकाऊंगी ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। 5 मिनट में देखिए टमाटर एकदम पक कर सॉफ्ट हो गया है, मसाला एकदम रेडी दिख रहा है, एकदम अच्छी तरह से तेल छोड़ रहा है, मतलब तेल निकल रहा है, इसका मतलब मसाला फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें मैश किया हुआ जो आलू है वो डाली हूँ, अब डालकर इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के लिए इसे, ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाला पूरा आलू में कोट हो जाए। और सूखा इसे मैं थोड़ा देर तक फ्राई करूँगी मसाले के साथ, ग्रेवी बना रही हूँ, पानी बाद में डालूँगी ताकि अच्छी तरह से ये भून कर, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा इस तरह से भून लेने से। अब मैं कसूरी मेथी तो अच्छे से हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ, इससे कसूरी मेथी का जो है स्वाद बढ़ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, ऑप्शनल है टोटली, आपको अगर गरम मसाला का फ्लेवर नहीं पसंद हो तो आप मत डालिए, ऐसे भी अच्छा लगेगा। मैंने इसमें गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाला सब अच्छी तरह से इसमें आलू में मिल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी के लिए पानी, तो पानी मैं इसमें 1 कप पानी डाल ली हूँ क्योंकि आलू थोड़ा पानी बहुत सोखता है, तो इसमें 1 कप पानी मैंने डाल दिया है। देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ अभी। अब मैं इसे थोड़ा सा ढक कर पकाऊँगी ताकि जो है फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर घुस जाए और ये बहुत अच्छा मतलब रेडी हो जाए टेस्टी सा आलू का सब्जी। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दी हूँ, 5 मिनट तक इसे ढककर पकाई थी, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती जो मैंने कट करके रखी थी वो उसमें मैं डाल रही हूँ। धनिया पत्ती से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू की सब्जी, कोई भी सब्ज़ी में धनिया पत्ती से अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए अब मेरा सब्जी रेडी होके तैयार है, आप इसे पूरी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, किसी का भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। और मुझे बताइए मेरा आपको ये रेसिपी कैसा लगा, और मेरे वीडियो से वीडियो को इस तरह से देखते रहिए फ्रेंड्स। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय एंड टेक